कुछ टाइम पहले जानी मानी टीवी और फिल्म एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने अपनी माली हालत के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी सालों से बीमार हैं, लेकिन पिछले 4 साल से वो फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जी हाँ, खुदा ने शगुफ्ता की सुन ली और उनकी झोली भर दी। दरअसल फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने शगुफ्ता अली के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बात की जानकारी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा, जब मुझे शगुफ्ता अली की फाइनेंशियल परेशानियों के बारे में पता चला तो मैंने उनसे संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने रोहित शेट्टी से बात की और वो शगुफ्ता जी की मदद की बात तुरंत मान गए। उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट देकर मदद की है और हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैं इंडस्ट्री में कई और लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं एक इंटरव्यू में भी शगुफ्ता ने इस बात की कंफर्मेशन करते हुए रोहित शेट्टी को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा, सब कुछ जल्दी हो गया, मैं उनकी बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो भी किया, भगवान उसके लिए उनका भला करे। वो मुझसे कभी नहीं मिले, ना ही हमारा कभी आमना सामना हुआ। मैंने उनसे कभी फ़ोन पर भी बात नहीं की। वो सामने आए और उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूँ कम है। डॉक्टर अभी बिजी हैं तो मैं अगले हफ्ते उनके पास जाऊंगी, मेरा ट्रीटमेंट अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। वैसे आप लोगों को ये भी बता दें कि रोहित शेट्टी के बाद अब माधुरी दीक्षित ने भी उन्हें 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की है। माधुरी ने शगुफ्ता को डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के मंच पर बुलाया और फिर पूरी टीम की ओर से 5 लाख रुपए का चेक दिया। हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ जिसमें शगुफ्ता अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ का जिक्र करते हुए रो पड़ी। वो कहती हैं, 36 सालों के करियर में 32 साल शानदार रहे, खूब काम किया, स्ट्रगल भी रही लेकिन अच्छे ऑफर्स भी मिले, परिवार का ध्यान रखा और अपना भी, लेकिन पिछले 4 साल बहुत भारी पड़े। खैर, आपको बता दें कि शगुफ्ता को 1998 और 1999 में पॉपुलर टीवी शो सांस के लिए जाना जाता है। नीना गुप्ता और कमलजीत सिंह के साथ शो से पहले वो परंपरा, जुनून और द जी हॉरर शो में दिखाई दे चुकी हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2018 में शो बेपनाह में देखा गया था। टीवी शोज के अलावा उन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी हीरो नंबर 1 और लैला मजनू जैसी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।